हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स 3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड. किसी भी मेथड से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन, चाहे तो इलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. First part, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on number of days one has taken food in the mess. Hostel के monthly charges जो हैं वो fixed हैं और बाकी charges depend करते हैं कि कितने number of days mess में से खाना लिया है. When a student A takes food for 20 days, A student ने 20 days के लिए mess में से खाना लिया, then she has to pay rupees 1000 as a hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days, jisne 26 days khana liya, pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and cost of food per day. Sabse pehle, let the fixed hostel charges, कि अगर आप होस्टल में रह रहे हो तो फिक्स चार्जेस आपको देने हैं रुपीस एक्स. उसके बाद है चार्जेस फॉर फूड पर डे. चार्जेस पर डे इज रुपीस वाई. अब स्टूडेंट ए ने 20 डेज के लिए लिया, एच तो उसे पे करना है जो फिक्स चार्ज है. उसके बाद 20 डेज पर डे अगर y रुपीस पे कर रहा है तो 20 डेज के लिए 20 इंटू वाई, तो टोटल अमाउंट पे किया रुपीस 1000. नाउ स्टूडेंट बी ने 26 डेज के लिए फूड लिया तो उसे कितने चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं? 1180. फिक्स चार्जेस तो है ही, फिक्स चार्जेस हमने माना x, और बाकी है चार्जेस पर डे कि पर डे के चार्जेस कितने हैं 20y. नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड. सो इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम देखें x का कॉफिशियंट सेम है तो हम इसे बाय यूजिंग इलिमिनेशन सॉल्व करेंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव. x से x कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का. माइनस के 26 प्लस के 20, माइनस 6y इज इक्वल्स टू, बड़े टर्म के साथ नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा और होगा सब्ट्रैक्ट 180. क्या आया? y इज इक्वल्स टू माइनस 180 अपॉन माइनस 6, दैट इज 30. y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, लेट इट एज 1 एंड दिस बी 2. x प्लस 20, y इज 30 is equals to 1000. So x plus 600, x is equals to 1000 minus 600 is equals to 400. Therefore the fixed hostel charges is equals to rupees 400 and the charges per day is rupees 30. Y ki value aayi thi 30 aur x aaya 400. तो फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड होस्टल चार्जेस है 400 एंड चार्जेस पर डे है रुपीस 30. क्लियर? सबसे पहले हमने फिक्स चार्जेस माना, देन चार्जेस पर डे. 20 डेज के लिए अगर मेस में से खाना लेते हैं तो 1000 रुपीस पे करने होते हैं. तो एक्स तो फिक्स चार्ज है जो आपको देना ही है, प्लस अगर वन डे के लिए वाई रुपीस पे करते हो तो 20 डेज के लिए 20 इंटू वाई, और टोटल अमाउंट एड किया, टोटल कितना पे करना है 1000. सिमिलरली अगर 26 डेज के लिए लेते हैं तो टोटल पे करना है 1180. इलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम है, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो वाई आया 30. वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, एक्स आया 400. देयरफॉर फिक्स्ड होस्टल चार्जेस इज इक्वल्स टू रुपीस 400 एंड चार्जेस पर डे इज रुपीस 30. Note it down.